तो मध्य प्रदेश में तो ठंड का असर बरकरार है, छत्तीसगढ़ की स्थिति भी अब समझ लेते हैं। पश्चिमी विक्षोभ का असर छत्तीसगढ़ में साफ नजर आ रहा है, शहर समेत पूरे प्रदेश का मौसम बदल गया है। रायपुर राजधानी की हम बात कर रहे हैं जहां अभी भी ठंड बरकरार है, एक बार फिर शीतलहर की चपेट में है प्रदेश के कई जिले। सुबह से लेकर रात तक ठंड पड़ती है, सामान्य से 5 डिग्री तक पारा लुढ़क चुका है। तापमान में और ज्यादा गिरावट आने वाले दिनों में हो सकती है। और अधिक जब बातचीत हम करेंगे सहयोगी उमेश हमारे साथ बिलासपुर से लाइव बने हुए हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी पूरे मौसम को लेकर, किस तरह का अनुमान पहले जताया जा रहा था और अब किस तरह से ठंड ने यू टर्न लिया है छत्तीसगढ़ में? देखिए अवंतिका, पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो अब साफ तौर पर छत्तीसगढ़ में दिखाई देने लगा है। यहाँ पर कड़ाके की ठंड फिर से पड़ने लगी है। इसका साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो उत्तरी दिशाओं से चलने वाली हवाएं हैं वो शुष्क हो चुकी है और यही वजह है कि शीतलहर एक बार फिर अपनी चपेट में पूरे प्रदेश को ले रहा है। खास करके अगर हम बात करें तो पेंड्रा रोड में 60 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और वहीं अगर बिलासपुर, रायपुर या अन्य जिलों की बात करें तो वहाँ भी सामान्य से 5 से 6 डिग्री जो तापमान है उसे दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर मौसम ने करवट बदला है और यही वजह है कि बदलते मौसम की वजह से जो वातावरण है, जो मौसम है वो शुष्क हो चुका है और इसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से अब लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर यह कहना है कि 1-2 दिनों के भीतर ये मौसम में 1-2 डिग्री जो है वो और तापमान में गिरावट होगी तो एक बार और कड़ाके की ठंड पड़ने के जो आसार दिखाई दे रहे हैं वो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। तो अभी फिलहाल पूरे प्रदेश में शीतलहर एक बार फिर वापस लौट चुका है और ये ठंड का पूरा एहसास इस पूरे प्रदेश में हो रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा ठंड अगर हम बात करें तो पेंड्रा रोड में दर्ज की गई है अवंतिका। चलिए शुक्रिया उमेश जानकारी के लिए, लेकिन आने वाले दिनों में भी अब ठंड से राहत मिलने के कोई आसार नहीं है, तापमान लगातार गिरावट की ओर बना रहेगा।